तो इस चार्ट में हमने चाइना के पिछले 60 सालों के डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में बताया, और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 60 सालों से चाइना का बर्थ रेट हमेशा हाईएस्ट रहा और डेथ रेट कम ही रहा है, लेकिन 2022 में सबसे कम बर्थ रेट नापा गया है। चाइना में बर्थ रेट 1000 पीपल्स में 6.77 बर्थ है, जो कि 2021 से कम है। 2021 में 7.52 का बर्थ रेट था, और बता दें 2022 का बर्थ रेट चाइना के पिछले 60 सालों का सबसे कम बर्थ रेट है, और चाइना का सबसे रेट 2022 में ही पहुंचा था, जहां पर 1000 पीपल में 7.37 की डेथ दर्ज की गई थी। और बता दें 2021 में यही डेथ रेट कुछ 7.18 था, जो कि चाइना में अगले साल कम था। और नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि 2022 में चाइना की कुल पॉपुलेशन में 8,50,000 लोगों की गिरावट देखी गई है, जो पहले 2021 में 1.4126 बिलियन थी, वो घटकर अब 1.418 बिलियन हो गई है। और स्टैटिस्टिक्स ने यह भी बताया है कि चाइना की पॉपुलेशन 2050 तक 1.313 बिलियन से गिर सकती है, और 2100 में 800 मिलियन से नीचे आ सकती है। चाइना की गिरती हुई पॉपुलेशन न चाइना पे बल्कि पूरे वर्ल्ड पे एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी। Is our money. The world's most populous country has hit an historic turning point. Today, China announced its first population decline in 6 decades. For the first time in more than 60 years, China's population has fallen. This could indicate the possible start of a long-term decline. Beijing's National Bureau of Statistics said the population decreased by 850. The population in China shrank last year for the first time in more than 6 decades. The nation of 1.4 billion people is the most populous. In 1950s, Mao Zedong ke raaj mein tab China mein sabse badi bhukhmari aayi thi, jisme सब 30 मिलियन लोग मारे गए थे, और तब चाइना का डेथ रेट कुछ 22 के आसपास चल रहा था, और सडनली बर्थ रेट एकदम ही से डाउनफॉल हो गया। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, वार, फेमेंस और सभी मेजर डिजास्टर्स हो जाने के तुरंत बाद चाइना में सडन बर्थ रेट इंक्रीज हो गया, और कंबाइंड विद ग्लोबल मेडिकल एडवांसमेंट जिससे बच्चों की डेथ रेट में कमी आई। और 1970 के समय चाइना ज्यादातर परिवार में 6 बच्चे नॉर्मल थे, जिससे चाइना में बर्थ रेट की भाई एक स्काई रॉकेट पकड़ ली, जिससे जहां चाइना में 1970 में पॉपुलेशन 818.32 मिलियन थी, वहां पर ईयर चाइना की पॉपुलेशन में 2% की ग्रोथ हो रही थी, और 1980 में चाइना की पॉपुलेशन 981.24 मिलियन पर पहुंच गई, जिससे चाइना में बर्थ रेट की ग्रोथ बढ़ती गई, और जिसे सरकार एक बड़ी समस्या के रूप में देख रही थी। और चाइनीज लीडर रियलाइज कि चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, और पॉपुलेशन को ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और कुछ करने की जरूरत है, जिससे चाइना के लीडर्स ने एक पॉलिसी निकाली जिसे कहते थे लेटर लॉन्गर फेवर, लेटर मैरिज लॉन्गर बर्थ इंक्रीज फेवर बर्थ। इस पॉलिसी का नतीजा ये हुआ जिससे बर्थ रेट का नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन चाइना के लीडर्स को इतनी सी चीज काफी नहीं लग रही थी, इसीलिए चाइना ने ईयर 1980 से 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नागरिकों को एक से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने दिया गया। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल की रिपोर्ट के अनुसार वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट की रफ्तार को तेजी से बढ़ती सोशल एंड इकोनॉमिक रिजल्ट से जुड़े चिंताओं के जवाब में किया गया था। चीन ने बताया कि इस नीति से करीब 400 मिलियन बर्थ को रोका गया, साथ में इसके साथ ही 20 मिलियन स्टेरिलाइजेशन और 15 मिलियन अबॉर्शन किए गए बस एक ही साल में। आप सोच सकते कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा। 2016 में चाइना सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करके लोगों को 2 बच्चों पैदा करने की अनुमति दे दी, लेकिन इससे ज्यादा जन्म नहीं हुए थे। इसके बाद 2021 में चाइनीज लीडर ने अपनी नीतियों को फिर से बदला और 3 बच्चों को पैदा करने की अनुमति दे दी गई। फिर चाइनीज लीडर ने आबादी की ग्रोथ के लिए कुछ स्टिमुलेशन का कदम उठाया, लेकिन लास्ट पॉलिसी का लक्ष्य देश की जनसंख्या सक्रिय संरचना को सुधारना और एक बूढ़ी आबादी से सक्रिय रूप से निपटने और मानव संसाधन से लाभ को बनाए रखने की देश की रणनीति को पूरा
करना था, इस रिपोर्ट को बताया था शिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा, लेकिन इसने जल्द ही क्रिटिसिज्म का सामना किया। कॉमर्स बैंक के इकोनॉमिस्ट हो जो ने बताया कि यदि प्रस्तावना की नीति को ढील देना संभव है तो इस जमाने में कोई भी जोड़ा दो से अधिक बच्चों को नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि आज की दुनिया में कौन तीन बच्चे संभाल पा सकता है, क्योंकि दुनिया में बढ़ती हुई स्कूल की फीस और सभी एक्सपेंसेस बहुत महंगे होते जा रहे हैं, इसीलिए ज्यादा कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहता है। चाइना का रिप्लेसमेंट रेट देखते हैं, जहाँ पे नॉर्मल कंट्री का रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि जो अपने मतलब ओल्ड एज को न्यू एज से बदलना, जैसे रिप्लेसमेंट रेट 2.1 मतलब कि एक पेरेंट्स से एक बच्चे को रिप्लेस कर देना और एक बच्चा मतलब कुछ बच्चे को हो जाए वो 1%। और चाइना का रिप्लेसमेंट रेट है 1.18%। चाइना अपने 4-2-1 के मॉडल पे चल रहा है, जिसमें मतलब दो गार्जियंस के दो बच्चे, उनकी शादी फिर एक बच्चा, मतलब जनसंख्या की ग्रोथ कम होती जा रही है। अब बात करते हैं कि चाइना की जनसंख्या कम हो जाएगी तो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो बढ़ते हैं नंबर पार्ट टू। वर्ल्ड में चाइना देश में जनसंख्या का बदलाव इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरा इम्पैक्ट रखता है। पहले देश में तेजी से डेवलपमेंट हुआ और सख्त स्रोत उसके डेमोग्राफिक डिवाइड, काम करने वाली उम्र के लोगों का। ओवर द लास्ट 4 decades चाइना लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लीडर मॉडल को सक्षम किया और उसने एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उच्च जीवन स्तर हासिल किया, जिससे कंट्री की और आय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर में आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। हालांकि चाइना की जनसंख्या के बदलाव उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके फ्यूचर लेबर वर्क और मार्केट की उसकी कैपेसिटी को मुश्किल में डाल रहा है। एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है कि घटती हुई जनसंख्या और खोते हुए लोगों के बीच चाइना देश में एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स और स्किल्स लोगों की भी कमी होगी, जिससे इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी धीरे हो सकती है और जिससे एजिंग वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो सकती है और यंगस्टर वर्करों की कमी हो सकती है और खोती हुई पॉपुलेशन के बीच नए बिजनेस में लेबर्स को ढूंढ पाने में भी मुश्किल हो सकती है, जिससे चाइना के बिजनेस में फिजिकल लेबर और अदर चीजों की शॉर्टेज हो सकती है और इससे पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एरिया में भी लेबरों की शॉर्टेज हो सकती है, जिससे उनके माल भेजने और पहुंचाने में भी कमी आएगी, जिससे पूरे देश पे असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो भी कंपनियां होती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना में भेजती, क्योंकि चाइना में बाकी देशों से चाइना में लेबर रेट सस्ता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण लेबर शॉर्टेज की उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, क्योंकि चाइना में पहले भी लेबर्स का एक बड़ा वर्क फोर्स लगभग 791 होने का अनुमान लगाया गया था, तो कुछ हिस्सों में अभी भी बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट वर्क चल रहा है। तौजीन जैसी रिपोर्ट से माने तो चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले जहां पर 6.8 था फिर 6.1 आया और इस 6% चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और राष्ट्र की औसत 5.5% से काफी अधिक है। एक साथ लिया गया ये डेटा चाइना के लेबर की भारी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये आंसर है। चाइना की घटती हुई पॉपुलेशन का सीधा रिजल्ट ग्राहकों पे जाएगा, ग्राहक कम होंगे बाजारें चाइना की सुखड़ेंगे, तो सीधा इसका इम्पैक्ट अपनी मेन ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा। आकर रिजल्ट ये हो सकता है कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस की मांग में गिरावट हो सकता है, जो चाइना देश के बिजनेस के ग्रोथ पे नुकसान पहुंचा सकती है, और जिसका ये हो सकता है रिजल्ट कि एजिंग सोसाइटी ज्यादा की वजह से जो कस्टमर है उसके डिक्रीज हो सकती है, और क्योंकि ये लोग सभी लोग जानते हैं कि यंग एज की जगह बुजुर्ग लोग पैसे खर्चा करने में डरते हैं, जिससे कि एज सिग्नेचर इफेक्ट भी कहा जाता है। मार्केट के साइज कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और कस्टमर स्पेंडिंग एंड एबिलिटी ऑफ बिजनेस। बदलती स्थिति के लिए नए नियम और अनुकूल करने की क्षमता ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब कि जो चाइना में पॉपुलेशन की गिरावट हो रही है आकार में, उससे जो वहाँ के पर पर्सन उनकी इनकम में ग्रोथ हो रही है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट दर कम हो रहा है और द लेवल ऑफ अपने घरेलू बाजार की ओर बढ़ाया है और हायर वैल्यू प्रोडक्ट ऐड करना चालू किया, जिससे प्रोडक्शन में निवेश किया और डोमेस्टिक मार्केट के साथ उन्होंने घरेलू बाजारों का विकास करने के लिए अधिक प्रयास किए हैं। चीन के पर कैपिटा इनकम अबाउट 6 times लोअर देन US। चाइना इज नॉट ग्रेटर देन टू इक्वलिटी अचीव GDP पर कैपिटा।
significant room of the economy activity, household wealth and domestic consumption level to continue grow. भाई अब क्या कह सकते हैं, चाइना की अगर पॉपुलेशन गिर रही है तो इसके बाद इंडिया के पास मौका है कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सके और अपने देश का विकास और तेजी से हो सके। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए भाई, सीख रहे हैं लेकिन कभी ना कभी सही से कर लेंगे। तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना।